हेलो दोस्तों, समय समय पे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मैंने ACL की सर्जरी तो करवा ली है, लेकिन पैर कितने दिन में मोड़ना स्टार्ट करना है, कितना मोड़ना है और कितने दिन में मैं पूरा मोड़ लूं ताकि मेरे लिगामेंट खराब भी नहीं हो और एट द सेम टाइम मेरा घुटना जाम भी ना हो। तो बातों को जो बैलेंस बनाना है दोस्तों, वो बहुत जरूरी है। यदि आप बहुत जल्दी घुटना मोड़ लेते हैं तो लिगामेंट लूज होने का खतरा बना रहता है, और यदि आप बहुत लेट कर देते हैं तो घुटना जाम होने का खतरा भी बना रहता है। ज़्यादातर हम लोग घुटने को मोड़ने की एक्सरसाइज 48 घंटे के अंदर स्टार्ट करा देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि धीरे 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 उसको एक एक इंच करके घुटना मोड़ना है। उसको ये टारगेट लेना चाहिए कि 90 डिग्री करने की करीब करीब कुर्सी पे बैठने लायक जो घुटना है वो उसका 30 दिन में मुड़ जाए और पूरा घुटना उसका 60 दिन में मुड़ जाए। यदि उसके मल्टीपल लिगामेंट की सर्जरी हुई है या मेनिस्कस की सर्जरी हुई है, धीरे धीरे करके घुटना मोड़ देना और कोई जल्दीबाजी मत करना। लेकिन कई लोग क्या गलती करते हैं कि या तो बहुत जल्दी यानी कि 6-7 दिन में ही पूरा घुटना मोड़ देते हैं दोस्तों, जिससे कि लिगामेंट पे प्रेशर पड़ सकता है, और कई बार ये भी करते हैं कि 4-4, 5-5 महीने गुजर जाते हैं और घुटना मोड़ते नहीं है डर के मारे, या उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है या वो पेन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यदि आप पेन की वजह से घुटना नहीं मोड़ रहे तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं, जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। पेन की वजह से कभी ये कंजूसी मत करिए कि आप घुटना मोड़ना कम कर दें। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आइस की सिकाई कर सकते हैं। कई लोग उसमें बर्फ की सिकाई की जगह गर्म पानी या फिटकरी डाल के या नमक डाल के या मालिश करना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके 2-2.5 महीने में घुटना नहीं मुड़ रहा तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं या घर में ही किसी रिलेटिव को बोल सकते हैं कि सपोर्ट के लिए वो पैर मोड़े। घुटने को जाम कर देना एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, और इस कॉम्प्लिकेशन से हमेशा अपने को बचना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो था पैर मोड़ने के बारे में। क्या आपका भी ACL सर्जरी हुआ है और उसके बाद आपको पैर मोड़ने में दिक्कत आ रही है? यदि हाँ, तो फिर आप ये कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके आप पैर को मोड़िए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर रिपोर्ट करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।